हम काल भैरव अष्टमी के अवसर पर महाकाल मंदिर कनखल में हैं, जहाँ पर श्री उद्धव जी महाराज के श्री मुख से महाकाल महिमा पर वर्णन चाहेंगे कि वे हम सभी श्रोतागणों को भक्तगणों को महाकाल भगवान की कुछ गाथा बताएं। ओम ते चंद्रश महाकाय कल्पांतदानोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि हरिं बटुकाय आपद्धरणाय गुरुगुरुबटुकाय हरिं ओम। आप सभी को भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में जो यह भंडारा हो रहा है इसकी शुभकामनाएं। यहाँ अति प्राचीन काल भैरव मंदिर है और काल भैरव के उत्पत्ति प्राकट की कथा श्री शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता में आती है, जहाँ पर एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा हूँ। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि युद्ध की स्थिति आ गई। उसी समय उन दोनों के बीच में भगवान शिव का एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ पर उस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता करने की चेष्टा की गई। विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर भूमि के नीचे गए कि इसका प्रारंभ कहाँ से है, वो नहीं पता कर पाए। ब्रह्मा जी को ऊपर भेजा कि इसका अंत कहाँ है, वो पता करके आए। ब्रह्मा जी भी पता करके ना आ सके। विष्णु जी ने तो आकर सत्य कह दिया कि मैं इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं देख सका, आदि नहीं देख सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी को और गैया को अपना गवाह बनाकर झूठ बोल दिया कि हमने इस ज्योतिर्लिंग का अंत मस्तक देख लिया। उस दिव्य ज्योतिर्लिंग से आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है और तुम्हें इस झूठ की सजा मिलेगी। उसी समय उस दिव्य शिव जी के ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री महाकाल भैरव प्रकट हुए। महाकाल भैरव ने पूछा शिव जी से मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, इनका सिर काट दो। तो महाकाल भैरव ने अपने छोटे उंगली के नखून से ब्रह्मा जी का सिर काटा और वह कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी का भगवान काल भैरव अपने हाथ में लिए घूमते रहे। और एक समय जब वो सिर उनके हाथ से गिरा तो ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी की उत्पत्ति हुई, जिस नदी का नाम कर्मनाशा नदी थी। इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और उसी से कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति हुई, तो कर्मनाशा नदी के स्पर्श को निषेध माना जाता है। आज भी यूपी गवर्नमेंट कर्मनाशा नदी को छूने से मना करती है, क्योंकि आप यदि कोई पुण्य कार्य करते हो सारे पुण्य आपके उस कर्मनाशा नदी के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो काल भैरव की उत्पत्ति के पीछे यह है कि जीव सत्य बोले। यदि कोई काल भैरव जी के सामने झूठ बोलता है तो काल भैरव जी उसको तो पसंद नहीं करते, तो काल भैरव जी स्वयं दंड देते हैं जी।